यदि आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो स्कूल आने जाने के बारे में अक्सर शिकायत करते रहते हैं, तो एक बार साउथ वेस्ट चीन के अतुलीर गांव में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों पर जरूर विचार करें। यहां बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए 2600 फीट ऊंची खतरनाक चट्टानों पर लकड़ी की जर्जर सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। 2 घंटे की यह चढ़ाई इतनी कठिन है कि बच्चे महीने में केवल 2 बार ही घर आते हैं। अतुलीर गांव तक पहुंचना डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है। यदि आपके साथ कोई भी दुर्घटना हुई तो आप सीधे खाई में गिरेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में विश्व प्रसिद्ध एक छोटा सा गांव है जो पिछले 200 साल से लोगों के लिए घर रहा है, जिसे पहले अतुलीर गांव के नाम से जाना जाता था। अतुलीर चीन के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक सुदूर गांव है। जो चीज इसे अन्य गांवों से अलग बनाती है वह है इसकी खतरनाक लोकेशन और ऊंची खड़ी चढ़ाई। यह गांव 2600 फीट की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, जो चीन के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यह चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। यहां 72 परिवार रहते हैं जो एक ही समुदाय के हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए बांस की बनी 218 एकदम खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ के जाना पड़ता है, जो बहुत खतरनाक है। अतुलीर गांव का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है, क्योंकि उस समय का इतिहास डाकों, जनजातीय संघर्षों और युद्ध से भरा हुआ था। बाहरी दुनिया से बचने के लिए और एक शांतिपूर्ण जगह की तलाश में गांव के कुछ लोग इस जगह पर आए थे। उपजाऊ मिट्टी और बाहरी दुनिया की उथल पुथल से दूर होने के कारण वे लोग यहीं बस गए और आज करीब 200 साल बाद भी लोग यहां रहते हैं। इतनी अधिक ऊंचाई के कारण इस गांव को शहर से जोड़ने के लिए कोई सड़क भी नहीं है। बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं की कमी ने अतुलीर में जीवन को कठिन बना दिया है। यहां के लोगों को किसी भी काम से गांव से बाहर आने जाने के लिए इन्हीं बांस की सीढ़ियों पर चढ़ के जाना पड़ता है, जो वक्त के साथ कमजोर और बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। पीढ़ियों से गांव के अंदर और बाहर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। अपनी जरूरत का कोई भारी सामान लेके इस चट्टान पे चढ़ना लगभग नामुमकिन ही होता है। वर्षों से इस चट्टान से समय समय पर गांव के लोग गिरते रहते हैं और कभी कभी तो उनकी मौत भी हो जाती है। अतुलीर गांव के पास में ही झाओजुए काउंटी नाम का एक दूसरा गांव है, जहां एक छोटी सी स्कूल है। आसपास के गांवों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र स्कूल है और अतुलीर गांव के बच्चों को भी पढ़ाई करने के लिए इसी स्कूल में जाना पड़ता है। सबसे खतरनाक बात ये है कि इन स्कूली बच्चों को काउंटी गांव के स्कूल तक जाने के लिए इस खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए उसी खतरनाक बांस की सीढ़ी से होके जाना पड़ता है, जो बहुत रिस्की है। ये बच्चे मात्र 6 से 15 वर्ष की आयु के होते हैं। बच्चे 2 सप्ताह तक उस स्कूल में ही रहते हैं और हर 2 सप्ताह बाद वापस अपने गांव लौटते हैं। माता पिता बच्चों को उठाते हैं और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। कुछ छोटे बच्चे अपने माता पिता से रस्सियों से जुड़े होते हैं। अधिकांश बच्चे इस रास्ते से इतनी बार आना जाना कर चुके हैं कि वे इसकी गिनती भूल गए हैं। इन सीढ़ियों को अतुलीर गांव के लोगों ने खुद ही अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि यही आवश्यक सामान की आपूर्ति करने और बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए उनकी जीवन रेखा है। ये रास्ता बहुत खतरों से भरा हुआ है और चढ़ाई के दौरान यहाँ लोगों का गिरना और दुर्घटनाओं का सामना करना सामान्य है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार किसान और चरवाहे हैं, जो मुख्य रूप से आलू, अखरोट और मिर्च की खेती करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन उन्हें पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, इसलिए वे जो भी उगाते हैं उसे वे खुद ही खाते हैं। कुछ लोग याक, भेड़ और बकरियां भी पालते हैं। ये जानवर पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त है और ग्रामीणों के लिए मूल्यवान संसाधन भी प्रदान करते हैं। यह गांव शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मौलिक सेवाओं की पहुंच से बहुत दूर है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रास्ते पर लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग गिरकर घायल भी हो गए। अतुलीर जैसी रिमोट लोकेशन में रहना बहुत चुनौती का काम है, लेकिन फिर भी आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने इन चुनौतियों से निपटने के अपने तरीके विकसित कर लिए हैं। यह गांव पहली बार तब वायरल हुआ
जब एक सरकारी न्यूज ने 6 साल के कुछ स्कूली बच्चों की फोटोज पब्लिश की जिनमें वे स्कूल जाने के लिए चट्टानों पर बनी बांस की खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इसके बाद यह गांव और वे स्कूली बच्चे मौत को मात देने वाली चढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हो गए। इस घटना के बाद यहां की सरकार ने गांव की सुरक्षा समस्या को हल करने के लिए बांस की इन सीढ़ियों को स्टील की सीढ़ियों से बदल दिया है जिसमें रेलिंग भी लगी है। स्टील की सीढ़ियां बनने से यह यात्रा थोड़ी आसान और सुरक्षित हो गई है। इस सीढ़ी को आकाश सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। स्टील की इन सीढ़ियों के निर्माण के बाद अतुलीर को एक पर्यटन स्थल बना दिया गया है जहां दुनिया भर से लोग गांव के अनूठे जीवन का अनुभव करने के लिए आते हैं। इस सीढ़ी ने गांव वालों को बाहरी दुनिया से जुड़ने में काफी मदद की। पहले यह रास्ता खतरनाक था, अब हमारे पास सीढ़ियां हैं, इसलिए हम बूढ़े और जवान सभी राहत महसूस कर रहे हैं। इस विकास के बाद मनोरंजन की कई सुविधाओं को जोड़ा गया है और पहाड़ की चोटी पर एक रिसोर्ट विला भी बनाया गया है। अतुलीर के आसपास के पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं। इस क्षेत्र में कई झरने हैं जो घाटियों से होकर बहते हैं। ये झरने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मीठा पानी प्रदान करते हैं और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अपनी ऊंचाई के कारण अतुलीर गांव सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। भले ही स्टील की इस सीढ़ी ने आवागमन को बेहतर बना दिया हो, लेकिन आज भी अतुलीर को अपनी दूरदराज लोकेशन और इतनी ऊंचाई के कारण बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चढ़ाई के दौरान यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। 2600 फुट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 2 से 4 घंटे तक का समय लग जाता है जो बहुत ही थका देने वाला रास्ता है। गांव में मोबाइल सिग्नल बहुत ही वीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मौलिक सेवाओं की पहुंच आज भी सीमित ही है। किसी भी तरह की बीमारी में इमरजेंसी चिकित्सा सहायता प्राप्त करना एक कठिन चुनौती है। चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच की कमी का मतलब है कि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं। गांव की अत्यधिक ऊंचाई के कारण निवासियों को खराब मौसम की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। भारी बर्फबारी और ठंडे तापमान वाली कठोर सर्दियां जीवन को और मुश्किल बना देती हैं। भविष्य में जैसे जैसे पर्यटन उद्योग विकसित होगा, स्थानीय लोग भी उतने ही विकसित होते चले जाएंगे। सीढ़ी के निर्माण के साथ पर्यटन गांव के लिए आय का एक उभरता हुआ स्रोत बन गया है। चीन की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अतुलियर के कुछ परिवारों ने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और चीन की सरकार ने इनको 75 किलोमीटर दूर काउंटी टाउन सेंटर के करीब अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। उनके नए अपार्टमेंट 25 वर्ग मीटर से लेकर 100 वर्ग मीटर तक हैं और उनमें मॉडर्न किचन, शौचालय, पीने का पानी, बिजली और गैस सब है। हालांकि अतुलीर गांव के सभी लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया है, लगभग 30 परिवारों ने उसी गांव में प्रकृति की गोद में रहने का फैसला किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे बहुत अच्छा घर मिल गया।